दिवंगत विधायक अरविंद गिरी की आत्मा शांति के लिए विशाल हिंदू वाहिनी ने शोक सभा का किया आयोजन। लखीमपुर खीरी जिले की 139 विधानसभा सीट गोला गोकर्णनाथ से 5 बार विधायक बने भाजपा के कद्दावर नेता अरविंद गिरी के निधन पर विशाल हिंदू वाहिनी लखीमपुर खीरी के कार्यकर्ताओं ने गिरी की आत्मा की शांति के लिए विकास खंड व थाना पसिगवां अंतर्गत ग्राम छपौरा में एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें संगठन के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञात हो कि बीते दिनों पूर्व 139 गोला गोकर्णनाथ से भाजपा के विधायक अरविंद गिरी अपने वाहन से लखीमपुर से लखनऊ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ जाने पर आनंद फानन उन्हें एटौंजा के मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो चुकी है। श्री गिरी गोला गोकर्णनाथ से 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे। विधायक अरविंद गिरी की शोक सभा में विशाल हिंदू वाहिनी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष देव कुमार प्रजापति ने विधायक को याद करते हुए कहा कि अरविंद गिरी लखीमपुर खीरी के एक कुशल नेतृत्व वाले जनप्रिय नेता थे। उनकी मृत्यु एक अपूरणीय क्षति है। इसके पश्चात विधायक अरविंद गिरी की आत्मा की शांति हेतु सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। इस अवसर पर विशाल हिंदू वाहिनी के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष देव कुमार प्रजापति व वरिष्ठ प्रदेश सचिव द्रिकपाल सिंह तथा लखनऊ मंडल अध्यक्ष बाबा मदन मोहन दास, जिला प्रभारी राजीव कुमार प्रजापति, जिला सचिव विपिन कुमार राजपूत, मोहम्मदी तहसील उपाध्यक्ष महीप सिंह, तहसील सचिव संतोष श्रीवास्तव, तहसील संगठन मंत्री कल्लू कश्यप, पसिगवां ब्लॉक अध्यक्ष राममूर्ति कनौजिया एवं धर्मपाल, रजनीश वर्मा, शनि राजपूत आदि कई सदस्यगण भी मौजूद रहे।